दरभंगा में मोटरसाइकिल और स्कूटी की दुनिया में धमाल। विगत 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विक्की टीवीएस। आप क्या सोच रहे हैं, जल्द आए जल्द पाए अपना पसंदीदा वाहन, विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। प्रत्येक वाहन की खरीद पर एक सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियर के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था, पहले से बेहतर माइलेज के साथ। आप चाहे तो लोन पर भी 1 घंटे में गाड़ी ले सकते हैं। आए और हाथों हाथ अपने पसंदीदा वाहन को घर ले जाए। सिविल सर्जन कार्यालय अलपट्टी में बिहार राज्य संगठन डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। दरभंगा शहर के अलपट्टी सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर में जो है बिहार राज्य स्वास्थ्य संगठन डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया, जहाँ सिविल सर्जन ऑफिस में इससे पूर्व कार्यरत डाटा ऑपरेटर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए थे और अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी का कहना है कि परीक्षा देने की बात की जा रही है, उर्मिला कंपनी के द्वारा यह काम जो है 10 साल से करते आ रहे हैं, कंपनी को जरूरत महसूस होती है तो दक्षता परीक्षा लेने की बात करते हैं और जब दक्षता परीक्षा से यह पास करके आए हुए हैं तब फिर भी दोबारा जो है दक्षता परीक्षा लेने की बात करते हैं, लेकिन दरमाहा नहीं बढ़ाया जाता है, ना ही कोई सुविधा बढ़ाया जाता है। 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, पता है, जिला को पता है, स्वास्थ्य समिति को पता है, सबको पता है। अब फिर हम लोग को बार बार 2-3 साल पे बार बार कर रहे हैं कि टेंडर बदल गया तो अब टाइपिंग दो, ये दो, वो दो, फिर से अपने तो पैसा की मांग की जाती है हम लोग से और देते भी है, समझे। अब फिर बाद बाद में फिर 2 साल के बाद फिर यही हम लोग के साथ होता है, इसलिए इसको रद्द किया जाए, नहीं हुआ। पैसा की मांग की जाती है, ये क्या पैसा का मतलब क्या हुआ, मांग करने का मतलब? मतलब पैसा की मांग की जाती है कि अगर पैसा दीजिएगा तो आप हो जाइएगा, सेलेक्ट हो जाइएगा, नहीं तो छाड़ दिया जाएगा। जो टाइपिंग दे मतलब पैसा मिलेगा उसको रख लिया जाता है, जो नहीं देता उसको छाड़ दिया जाता है। क्या ऐसा पहले किया है क्या? जी, पिछले 7-2 साल पहले लिया गया था हम लोग से। उस समय में कौन सा कंपनी था? उस समय में यही थी, उर्मिला ही थी जिस समय में आए थे हम लोग। पहले प्रभावला में थे, उसके बाद उर्मिला में आए। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया कुमारी। क्या है आप? यूपीएससी बिरौल। डाटा एंट्री ऑपरेटर है हम लोग, कई साल बीते 5-6 वर्ष से हम लोग कार्यरत है, मगर हम मानते हैं कि हम उर्मिला इंटरनेशनल कंपनी द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, मगर हम जिस संस्थान में काम करते हो सरकार की संस्थान है, सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम ना कि उर्मिला के लिए काम कर रहे हैं, हम सरकार की संस्थान के लिए काम करते हैं, सरकार को ये सब सोच के चलना चाहिए। यहाँ सरकारें बदलती है, एजेंसियाँ बदलती है, ऑपरेटर तो वही रहता है, तो ये सब पे सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए। हम खास करके ये एग्जाम की बात पे हम बोलते हैं, जब इतने सालों से कार्यरत है, जो अनुभव है आप उसका एग्जाम लीजिएगा, यदि अगर कुछ होएगा तो फिर आप किस मतलब उस पर बोल रहे हैं कि आप एग्जाम लेंगे, मतलब कुछ रहता है ना, आप संयोजन कीजिएगा कि वेतन बढ़ाइएगा कि मतलब NUHM के तहत जाइए, कुछ कीजिएगा, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप केवल रिन्यूअल के इस पे आप पैसा उगाही करने के लिए कर रहे हैं कि आपने टेंडर लिया, आपको उसके लिए कुछ करना है तो आप उसी के हिसाब से आप चल रहे हैं। बस हमारी यही मांग रहती कि हम एग्जाम को बहिष्कार करते हैं, हम एग्जाम नहीं देंगे। मेरा नाम शेख सऊद है, मैं अर्बन डाटा ऑपरेटर हूँ। क्या किन मांगों को लेकर के? सबसे पहले आपको हम बता दें कि कंपनी नाम का चीज जो है ना 1600 ईस्वी में आया था और 1608 में जो है भारत आया और 1757 से जो है हुकूमत करना शुरू किया हम लोग पे, पूरे 190 साल तक हुकूमत किया ये कंपनी नाम। आज उसी वो विदेशी कंपनी था, आज हमारे देश की कंपनी, हमारे राज्य की ही कंपनी सरकार की मिली भगत से ये काम कर रही है, जिसमें उर्मिला के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में उर्मिला ही काम कर रही है, जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं लमसम 3-4 साल 10 साल से भी कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, और जब जब इनका रिन्यूअल होता है तब तक ये कहते हैं फिर से हमारा एग्जाम लेंगे, हमारी दक्षता परीक्षा पे जो है सवाल उठाते हैं, अगर हम लोग दक्ष नहीं है तो 3 साल से काम कैसे हो रहा है, स्वास्थ्य का काम कोई तीसरा व्यक्ति आके कर रहा है क्या, ऐसा नहीं है तो फिर हमारी दक्षता परीक्षा क्यों, रिन्यूअल आप करवाई, दक्षता हम हो, इसमें पूरे पूरी पैसा की उगाही हो रहा है, केवल पैसा उगाही करने के लिए सब चीज रखा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? कोरोना काल में महामारी में अपना परिचय जी, मेरा नाम विक्रांत कुमार पांडे हुआ, दरभंगा जिला से, हम कहां पर, DHS में।